नमस्ते दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने लाए हैं नया रेसिपी, वो है मटन। कम मसाला वाला मटन आज हम बनाएंगे, घर के जैसा कम मसाला वाला। आप इसको रोटी में, राइस में, सभी के साथ आप खा सकते हो। बहुत टेस्ट भी आएंगे और टेस्टी भी। जिन लोगों का सेहत नहीं लगता वो लोग भी मटन खा सकते, ताकि तो सेहत लग सके। वीडियो अगर अच्छा आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कीजिए, और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पर 3 कटा हुआ प्याज लिए हैं, मटन के मुताबिक हम अदरक लिए हैं और लाल मिर्ची लिए हैं और लहसुन लिए हैं। हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। अब कटा हुआ प्याज को डालेंगे। प्याज को हम इसको फ्राई करेंगे थोड़े देर के लिए। प्याज पहले फ्राई करने से अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारा प्याज थोड़ा तरह ब्राउन हो गया है। अब मसाला को डालेंगे, अच्छी तरह से मसाला को फ्राई करेंगे। देखिए मसाला भी बन गया है। देखिए हमारा मसाला बन गया है। अब थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम अभी हल्दी डाल रहे हैं, ताकि पहले डालते तो जल जाता हल्दी, इसलिए हम अभी डाल रहे हैं। अब मसाला में थोड़ा थोड़ा पानी देके हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर पानी देके इसको मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम पानी नहीं देंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि सभी के साथ मिलजुल जाए। देखिए मसाला कितना सुंदर दिख रहा है। अब मसाला में थोड़ा पानी देके फिर से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मसाला अब बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अब मटन को डालेंगे। अब मटन को अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर लेते हैं, ताकि सब मिलजुल जाए, मसाला का नाम निशान ना मिले मटन में। अब नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम पहले नमक नहीं डाले थे, अब डाल रहे हैं। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसको कवर कर लेते हैं। अब कवर निकालेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मटन अब स्टीम में अच्छी तरह से पक गया है। अब मटन मसाला को डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब फ्राई हो गए है, अब इसको प्रेशर में डालेंगे। आप चाहे इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम यहाँ पर कुकर में कर रहे हैं। अब इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा पानी दे सकते हैं। आप कम ग्रेवी चाहते हैं तो कम पानी देंगे। आप राइस के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी देंगे तो राइस में अच्छा लगेगा। आप चपाती के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा पानी देके इसका ग्रेवी बनाइए। हम यहाँ पर राइस के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी देंगे। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हमारे राइस के हिसाब से पानी दिए हैं ग्रेवी के लिए। हम यहाँ पर मटन को 4 सीटी देंगे, ताकि अच्छी तरह से पक जाए हमारा मटन। आप हार्ड रखना चाहते हैं तो आप 2 सीटी दे सकते हैं। देखिए हमारा मटन अब बन गया है। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। हम यहाँ पर कम ऑयल में मटन बनाए हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं गरम मसाला डाल के। अब मिक्स कर लेते हैं। देखिए हम कम ऑयल में कितना सुंदर टेस्टी मटन बनाए हैं। आप भी ऐसे बनाइए और टेस्ट कीजिए। कम ऑयल में और हेल्दी भी है मटन खाना होगा, और कम ऑयल में भी। लेस ऑयल मीन्स लेस टेंशन। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।